किसान भाइयों नमस्कार। अपना कृषि संसार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि कृषि संबंधित जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। आज हम जानेंगे बायर की लाउडीज हर्बिसाइड दवा का घोल कैसे बनाते हैं। कुछ किसान भाई दवा को गलत तरीके से घोल बनाकर दवा को ख़राब कर देते हैं, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो आप घोल गलत तरीके से किस तरह बनाते हैं यह भी जान लीजिए, इसलिए दवाई फट जाती है। तो आप क्या करते हैं कि 115 ml दवा को 7 गिलास पानी में घोल लेते हैं, फिर उसमें पूस्ट डाल देते हैं, फिर उसमें चिपको डाल देते हैं। तो यह घोल बनाने का बहुत ही गलत तरीका है। इसी कारण से आपकी दवाई का घोल फट जाता है, दवा का रिजल्ट नहीं मिल पाता तथा घास नहीं मरता है और आपके पैसे भी नुकसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से घोल बिल्कुल नहीं बनाएं। घोल बनाने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो दो अलग अलग बर्तन ले लेना चाहिए तथा 8 लीटर पानी ले लेना चाहिए। अब दो बर्तनों में 4-4 लीटर पानी अलग कर लें। एक बर्तन में 115 ml लाउडीज को डालें तथा एक बर्तन में पूस्ट डाल लें। अब दोनों बर्तनों में 4-4 लीटर पानी अलग अलग डाल दें। 5 से 10 मिनट तक इन दोनों को अलग अलग बर्तनों में डंडे की सहायता से घोल लें। फिर पूस्ट वाले घोल को मुख्य दवा लाउडीज के घोल में मिला दें। अब जो है पानी की मात्रा 8 लीटर हो जाएगी दवा वाले पानी की, तथा 15 लीटर पानी वाले पंप से स्प्रे करते हैं। तो 8 लीटर वाले घोल से 1 लीटर दवाई निकालें तथा एक पंप में डालें। उसके बाद उसमें चिपको की मात्रा अनुसार मिला दें। सावधानी क्या रखें, तो दवाई अगर 4 पंप की है तो 4 लीटर पानी में घोल बनाएं, 8 पंप की है तो 8 लीटर पानी में घोल बनाएं, और अलग 16 पंप की है तो 16 लीटर पानी में घोल करें। गिलास की मात्रा से घोल नहीं बनाएं। पूस्ट अथवा चिपको को मुख्य दवा के साथ सीधे ना घोलें, अलग अलग बर्तनों की सहायता लें जिससे कि घोल खराब ना हो। तो किसान भाइयों इसी प्रकार से घोल बनाएं ताकि आप जो है दवाई का सही परिणाम प्राप्त कर सकें। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें और यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों।